इसी मौके पर रुड़की से हमारे बीच भाई नवाब साहब तशरीफ रखते हैं, जो मुशायरा कवि सामने सुनने आए, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। नहीं नहीं, हाशिम सिर्फ सुनने नहीं आए हैं, बल्कि नवाब भाई का मामला ये है कि नवाब भाई सिटी हॉस्पिटल मंगलौर के MD हैं। मोहतरम हजरात, बावकार सदारत, नाजिम मोहतरम की जहानत और मोहतरम नदीम फर्रुख साहब की क़यादत में आज का ये इनकाद बामे उरूज पर पहुंच चुका है। वक्त की पाबंदी का ख्याल रखते हुए आज मैं तरन्नुम से ना पेश करके चंद अशआर तहत में पेश कर नहीं, आपने हमारी तारीफ कर दी, आप देर तक पढ़ सकते हैं। शुक्रिया। समाज फरमाएं, अभी हालिया हादसा आपके साथ हुआ, उसके हवाले से एक मतलब आपके हवाले से बात पहुंचा रहा हूं कि जब तक कोई कमी तेरे ईमान में नहीं, जब तक कोई कमी तेरे ईमान में नहीं, तू जान से भी जाए तो नुकसान में नहीं। वैसे अल्लाह ना करे। हाशिम फिरोजाबादी के लिए शेर, सच्चाई की आवाज बुलंद करने के लिए मैं हिमायत करता हूं ऐसी सच्ची आवाज की। आइए दोस्तों, हर शख्स को ये डर है कहीं चोट ना खा ले। हर शख्स को ये डर है कहीं चोट ना खा ले, गिरती हुई दीवार को फिर कौन संभाले। वाह 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 वाह। हर शख्स को ये डर है। वाह 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 वाह। हर शख्स को ये डर है। आखिरी लम्हे में कमजोर साबित हो रहा, जोर जाता है मुझे कच्चे मतले के लिए। वाह 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 वाह। हर शख्स को ये डर है कहीं चोट ना खा ले, गिरती हुई दीवार को फिर कौन संभाले, और जो पेड़ पुराने हैं उन्हें देता हूँ पानी। जो पेड़ पुराने हैं उन्हें देता हूँ पानी। कुछ लोग ये कहते हैं बुजुर्गों की दुआ ले। कुछ लोग ये कहते हैं बुजुर्गों की दुआ ले। दोस्तों, जहां जहां भी गिरेगा मेरे बदन का लहू, जहां जहां भी गिरेगा मेरे बदन का लहू, वहीं से शोर उठेगा ये है वतन का लहू। वाह 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 वाह। जहां जहां भी गिरेगा मेरे बदन का लहू, वहीं से शोर उठेगा यह है वतन का लहू। हम इत्तेहाद की रोशन नजर से देखे तो क्या कहना, हम इत्तेहाद की रोशन नजर से देखे तो अलग नहीं है यहाँ शेख व बरहमन का लहू। वाह। हम इत्तेहाद की रोशन नजर से देखे तो अलग नहीं है यहाँ शेख व बरहमन का लहू। हम इत्तेहाद की रोशन नजर से देखे तो, और बख्शे ना उजाले तो चिरागों को बुझा दो। बख्शे ना उजाले तो चिरागों को बुझा दो, मिट सकती हो जुल्मत तो मेरा घर भी जला दो। बख्शे ना उजाले तो चिरागों को बुझा दो। ये शेर फिर से पढ़िए। वाह वाह। बख्शे ना उजाले तो चिरागों को बुझा दो, मिट सकती हो जुल्मत तो मेरा घर भी जला दो। और दोस्तों, इसी मतले के बाद इसी गजल का एक शेर आप तक शायद पहुंच चुका हो कि हम मिल के पुकारेंगे तो लौट आएगा माजी। बेशक। हम मिल के पुकारेंगे तो लौट आएगा माजी, आओ मेरी आवाज में आवाज मिला दो। वाह वाह वाह। आओ मेरी आवाज में आवाज मिला दो। वाह वाह। मुझे हाशिम साहब की तरफ से इजाजत मिल गई तो तीन शेर तरन्नुम से। नहीं, ये मजाक में कहा था उसने। अच्छा। क्योंकि हाशिम को भले ही इजाजत, आपको हाशिम की मिल गई हो और हाशिम को मेरी मिल गई हो, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे जो हमारा जजेस पैनल बैठा है कंट्रोल रूम में, जो सारे जो कैमरे हैं इनका फीड वहाँ पहुँच रहा है, तो उनकी तरफ से बार बार हमें ये डायरेक्शन आ रहा है कि अगला सेशन स्टार्ट होना चाहिए, तो इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। बहुत अच्छा आप पढ़ रहे हैं। एक दो शेर और सुना लीजिए तहत में ही, और उसके बाद फिर हम जो है इस सेशन को फाइनल उसकी तरफ ले। समाज फरमाए हजरात, शऊर और फिक्र की गहराई भी समंदर है। सुखन फहम हजरात के सामने मौजूदगी में किसी तमहीद की जरूरत नहीं। शऊर और फिक्र की गहराई भी समंदर है, बकदर जर्फ हर एक आदमी समंदर है। शऊर और फिक्र की गहराई भी समंदर है, बकदर जर्फ हर एक आदमी समंदर है। जजीरे गम के खुशी के मकाम आते हैं। जजीरे गम के खुशी के मकाम आते हैं, बगौर देखिए ये जिंदगी समंदर है। बगौर देखिए। वाह वाह वाह।